कासगंज जनपद के कोतवाली सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गांव बहरोजपुर में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर घायल कर देने का मामला सामने आया है। गोली लगने से घायल हुए व्यक्ति को इलाज के लिए कासगंज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत को गंभीर देखते हुए घायल को इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। बता दें कि पीड़ित के परिजनों ने गोली मारने का आरोप गाँव के ही दो लोगों पर लगाया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कासगंज जिले के बहरोजपुर गांव के रहने वाले 29 वर्षीय जगतपाल पुत्र रामेश्वर दयाल का गांव के दूसरे पक्ष से राजपाल और रिंकू से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें दूसरे पक्ष के जगतपाल को गोली मार दी है। भाई को गोली मार दी। क्या नाम है भाई की आपका? जगतपाल। कब गोली मारी थी? आज सुबह 4 बजे मारी। कारण क्या था? भूमि को विवाद था पहले। कौन लोग थे? राजपाल और रवि और विक्रम। क्या आपने पुलिस को शिकायत की अभी? मैं गंभीर अवस्था की वजह से मैं तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से यहाँ रेफर आया, अब जाऊँगा FIR। व्यक्ति हैं जगतपाल, जिनका आरोप है कि उनके गांव के ही राजपाल और रिंकू ने उन्हें तमंचे से गोली मार दी। घटना की सूचना के तत्काल बाद जो है थाना प्रभारी और सत्र अधिकारी पटियाली मौके पर गए थे और अभी प्राथमिक जांच पड़ताल में ये पता चला कि जिस व्यक्ति जगतपाल को गोली लगी है उनका राजपाल के घर के सामने एक छोटी सी ज़मीन है, उस ज़मीन को वो मंदिर बनाना चाहते हैं। पहले भी शायद एफर्ट कर चुके हैं, उसको रोका गया था। कल शायद फिर से उन्होंने प्रयास किया था, इस बात को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था। आज सुबह इनका आरोप है कि इन व्यक्तियों ने गोली मार दी। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। वहीं धर्म और आस्था की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं ने सोमवती अमावस्या पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम घाट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और गंगा स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की आराधना की। वहीं सोमवती अमावस्या का व्रत रखने वाली महिलाओं ने पीपल के वृक्ष पर कच्चे सूत और लपेटकर परिवार के लिए सुख समृद्धि के साथ साथ पति की लंबी आयु की कामना भी की। जो भी माताएं गौर गणेश का पूजन करके पीपल के वृक्ष पे 108 फेरे लगाते हैं और 108 वस्तुओं का पीपल पर भोग लगाते हैं तो माँ भगवती उनको सौभाग्य साली प्रदान करती हैं और उनके सुहाग की रक्षा करती हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन जो भी इसका दूसरा फल ये भी होता है कि जो भी भक्त पीपल के वृक्ष पे सोमवती अमावस्या वाले दिन घट दान भी करते हैं तो पितरों द्वारा उनको विशेष आशीर्वाद प्रदान होता है, उनके पूर्वज उनको ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बरसाते हैं। किसी भी अमावस्या पे घट दान करने से पितृ अवश्य प्रसन्न होते हैं।